हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन, आज हम इसे बनाना सीखेंगे। इस डिजाइन को आप जैन साफ स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, बेबी कैप में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए। 6 मल्टीपल करने के बाद 3 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। और ये 18 सिलाई का डिजाइन है, इसे हमें हमें 18 सिलाई बार बार रिपीट करनी है। 18 सिलाई रिपीट करने पर इस तरह से डिजाइन बनकर आएगा। ये हमारे डिजाइन की सीधी साइड है, सीधी साइड इस तरह से नज़र आएगी। और ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड इस तरह से नज़र आएगी। रॉन्ग साइड की सभी सिलाई हमारी उल्टी बनेंगी इस तरह से। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने इसमें 15 फंदे लिए हैं। 6 मल्टीपल करने के बाद 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं और हमने 2 सिलाई उल्टे की बना ली है इसमें। और ये सीधी साइड है, सीधी साइड से फर्स्ट रो हमारी शुरू होती है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। फर्स्ट रो हमारी पूरी सीधी बनेगी। फर्स्ट रो पूरी हो गई। उल्टी साइड है दूसरी सिलाई, उल्टी साइड की दूसरी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। इसमें हर बार उल्टी सिलाई उल्टी ही बनेगी पूरी। जब भी हम उल्टी साइड आएंगे तो हमारी हर सिलाई उल्टी बनेगी, उसमें कोई डिजाइन नहीं बनेगा। दूसरी सिलाई है उल्टी साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। दो सिलाई पूरी हो गई। तीसरी सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे करेंगे, यार्न फ्रंट अपनी तरफ ऊन रखते हुए हम 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 फंदे स्लिप किए। एक फंदा सीधा बनाया, 5 फंदे स्लिप किए। यहाँ से यहाँ तक 6 फंदों का एक डिजाइन पूरा होता है, ठीक है? एक पैटर्न होता है यहाँ से यहाँ तक 6 फंदों का। पहला फंदा स्लिप किया है उसे काउंट नहीं करते। उसके बाद फिर से यही 6 फंदे हमें बार बार रिपीट करने हैं। ऊन पीछे लेके जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे, 5 फंदे स्लिप। 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन होते हैं। एक यहाँ से यहाँ तक और यही यहाँ से यहाँ तक। एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर 5 फंदे स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 5 फंदे स्लिप करेंगे। इस तरह से ये 6 6 फंदों का एक डिजाइन है। ये 6 फंदे बार बार आकर रिपीट करने हैं। आखिर में 2 फंदे बचते हैं, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसा स्टिच का फंदा भी सीधा बना लेंगे। तीसरी सिलाई पूरी होगी। चौथी सिलाई है रॉन्ग साइड, ये पूरी उल्टी बनेगी। इसमें हर बार हमारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। चौथी सिलाई भी पूरी हो गई। पांचवी सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा, ऊन आगे करेंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5, ये यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन होता है 6 फंदों का। यही 6 फंदे हमें आगे बार बार रिपीट करने हैं। ऊन पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5, ये यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन होते हैं। यहाँ से एक डिजाइन और 2 डिजाइन। आखिर में एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसा स्टिच का फंदा भी सीधा बना लेते हैं। ये पांचवी सिलाई पूरी होगी। छठी सिलाई है रॉन्ग साइड, इसे पूरी उल्टी बनाकर पूरी करेंगे। सातवीं सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आ गए, 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा बनाया, फिर 5 फंदे स्लिप करें। ये 6 फंदों का एक डिजाइन होता है। यही 6 फंदे हमें आगे बार बार रिपीट करने हैं। फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आ गए, 6 फंदे, 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5, ये यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन बन गए इस तरह से। ऊन पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसा स्टिच का फंदा भी सीधा ही बनाएंगे। ये 7वीं सिलाई पूरी
पूरी हो गई। आठवीं सिलाई रॉन्ग साइड है, ये हम पूरी उल्टी उल्टी बनाकर पूरी करेंगे। नौवीं सिलाई है सीधी साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे करेंगे, ऊन अपनी तरफ रखते हुए पांच फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक फंदा स्लिप किया, उसके बाद से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। एक फंदा सीधा, पांच फंदे स्लिप किए, या यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन होता है। यही छह फंदे हमें आगे बार बार रिपीट करने हैं। ऊन पीछे लेकर जाएंगे और एक फंदा सीधा, ऊन आगे, पांच फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5, ये यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन हो गए, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। आखिर में दो फंदे हैं, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसा स्टिच का फंदा भी सीधा बना लेते हैं। ये नौवीं सिलाई पूरी हो गई। दसवीं सिलाई रॉन्ग साइड है, इसे पूरी उल्टी उल्टी बनाकर पूरी करेंगे। ग्यारहवीं सिलाई है सीधी साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम शुरू में पहले तीन फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, और ये जो बीच का फंदा है इसको हम, ये जो सबसे फर्स्ट वाली लूप है इसके साथ बनाएंगे। इस तरह से इसे ऊपर लेकर आएंगे, फर्स्ट लूप, और ये एक सीधा फंदा, पहले इसे सीधा बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरह से, 1 2 3 4, एक फंदा सीधा, दो फंदे सीधे। उसके बाद फिर हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक छह फंदों का एक डिजाइन हो गया। तीन फंदे सीधे बनाए, फिर एक फंदा लूप के साथ बनाया, फिर दो फंदे सीधे। अब यही छह फंदे हमें आगे बार बार रिपीट करने हैं। तीन फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, ये बीच के फंदे पर के साथ में हम फर्स्ट लूप इस तरह से इसे सीधा बनाएंगे फंदे को, और इसको इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे इस तरह से, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, आखिर में दो फंदे बचे हैं, दोनों सीधे बना लेंगे, 1 2। ये ग्यारहवीं सिलाई पूरी हो गई। बारहवीं सिलाई है रॉन्ग साइड, इसे पूरी उल्टी बना लेंगे। तेरहवीं सिलाई है सीधी साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तीन फंदे सीधे, 1 2 3, अब ये दूसरे नंबर की लूप के साथ में दूसरे लूप, और एक फंदा सीधा बनाएंगे, पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस लूप को इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर दो फंदे सीधे, 1 2, ये यहाँ से यहाँ तक छह फंदे हो गए, 2 4 6, छह फंदों का एक डिजाइन होगा। यही छह फंदे हमें आगे बार बार रिपीट करने हैं। तीन फंदे सीधे, 1 2 3, जो हमने पांच फंदे स्लिप किए थे उसके बीच के फंदे पर हमें लूप बनानी है, उसके साथ ये दूसरे नंबर की लूप लेकर आएंगे इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे और इसको इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। अब दो फंदे सीधे, 1 2, आखिर में दो फंदे हैं, दोनों सीधे बनाएंगे। चौदहवीं सिलाई है उल्टी साइड, इसे पूरी उल्टी बना लेते हैं। पंद्रहवीं सिलाई है सीधी साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तीन फंदे सीधे, 1 2 3, अब तीसरे नंबर की लूप उठाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इस लूप को फंदे के ऊपर से उतार देंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, ये छह फंदों का एक पैटर्न होगा, 2 4 6, यही छह फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। तीन फंदे सीधे, 1 2 3, अब ये तीसरे नंबर की लूप लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस फंदे को इसके फंदे पर से उतार देंगे, दो फंदे सीधे, 1 2, आखिर में दो फंदे बचे हैं, इनको भी सीधा बना लेते हैं। ये पंद्रहवीं सिलाई पूरी हो गई। सोलहवीं सिलाई रॉन्ग साइड है, इसे पूरी उल्टी उल्टी बना लेते हैं। सत्रहवीं सिलाई है सीधी साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तीन फंदे सीधे, 1 2 3, अब ये आखिरी लूप बची है, इसको यहाँ से इस फंदे के साथ इस तरह से बनाएंगे, पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर दो फंदे सीधे, 1 2, ये यहाँ से यहाँ तक छह फंदे, 2 4 6, यही छह फंदे आते बार बार रिपीट करने हैं, छह फंदों का डिजाइन है। तीन फंदे सीधे, 1 2 3, अब ये लूप इस फंदे के साथ बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, पहले इसे इसके ऊपर से उतारेंगे,
और दो फंदे सीधे, 1 2 आखिर में दो फंदे बचे हैं, दोनों सीधे बना लेंगे। 17वीं सिलाई भी पूरी हो गई। 18वीं सिलाई है रॉन्ग साइड, इसे पूरी उल्टी उल्टी बनाकर पूरी करेंगे। 18 सिलाई पूरी होने पर इस तरह से डिजाइन बनकर आया, ये देखिए। 18 सिलाई पूरी होने के बाद फिर से रिपीट करेंगे फर्स्ट रो से। हमारी फर्स्ट रो सीधी बनी थी, फर्स्ट रो सीधी बनाएंगे। यहाँ से रिपीट अगेन शुरू होता है, पहली सिलाई हम सीधी बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने रिपीट करना होता है। 18 सिलाई पूरी होने के बाद इस तरह से बहुत प्यारा डिजाइन बनकर आया है। 18 सिलाई पूरी होने पर इस तरह से डिजाइन बनकर आएगा। आपको मेरा डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक ज़रूर करें। उसी से आपको मेरी सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय।